मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्र, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ जगहों में आइसोलेटेड बारिश दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में सबसे ज़्यादा शिवपुरी में हुआ 7.2 मिलीमीटर और ईस्ट एमपी में शिवनी में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया है। टेम्परेचर हाई देखा गया तो मध्य प्रदेश के काफ़ी जगहों में अभी टेम्परेचर 40 के ऊपर ही चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया है गुना में 46.6 डिग्री सेल्सियस, खंडवा 45.1, रतलम 45.8 और उज्जैन 45, और काफ़ी जगहों में हीटवेव भी दर्ज किया है धार, खंडवा, रतलम, उज्जैन एंड गुना। और ईस्ट एमपी का देखा गया तो टीकमगढ़ में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हो गया 44 डिग्री सेल्सियस और नरसिंहपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर, वहाँ से एक ट्रफ लाइन विदर्भा की तरफ है, वो एमपी के ऊपर से चल रहे 0.9 किलोमीटर में, और नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 1.5 किलोमीटर में अभी परसिस्टिंग है। तो ये स्थितियों के अनुसार हमने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी और फोरकास्ट जारी किया है। आप ये फिगर में देख सकते हैं ऑलरेडी मध्य प्रदेश की काफ़ी जगहों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं सब 40 के ऊपर 42 to 44 डिग्री सेल्सियस का रेंज में चल रहे हैं। और फोरकास्ट का देखा गया तो अभी ये ट्रफ लाइन की वजह से हल्के से बारिश होने का चांसेस है साउथ ईस्ट एमपी के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, बट बाकी जगह पे अभी टेम्परेचर बढ़ने का ही चांसेस है। नॉर्थन एमपी के काफ़ी जगहों में अभी हमने ऑरेंज और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट भी दिया, जैसे गुना, अशोकनगर, निवाड़ी में 45-46 रेंज में टेम्परेचर है, वहाँ पे हीट वेव वार्निंग दिया है रेड अलर्ट में। बाकी जगहों में ऑरेंज और येलो कलर में हीट वेव के लिए वार्निंग जारी है। और अगले दिन में भी ये स्थिति कंटिन्यू रहेंगे। नॉर्थन एमपी में ये स्प्रेड और बढ़ रहे, टीकमगढ़, छतरपुर में भी ऑरेंज अलर्ट कल के लिए जारी किया है, और ग्वालियर चंबल का पूरा रीजन, नीमच, मंदसौर, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है, और वेस्ट एमपी, वेस्ट सेंट्रल एमपी का काफ़ी एरिया में हमने येलो वार्निंग दिया है टेम्परेचर के लिए, हीटवेव के लिए, यहाँ पे भी डिस्कम्फर्ट होने का काफ़ी चांसेस है। और साउथ ईस्ट एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कल भी थोड़ा सा हल्के से बारिश और थंडरस्टॉर्म का चांसेस है, विंड स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर आवर का हवा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 26 को देखा गया तो ये टेम्परेचर और बढ़ने का चांसेस है, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थन एमपी के ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हमने रेड वार्निंग में इंक्लूड कर दिए है, और सेंट्रल और साउथ वेस्ट एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज और येलो कलर में हमने हीट वेव के लिए चेतावनी दे दी है। और 27 को देखा गया तो ये थोड़ा सा कम हो रही है इसका इंटेंसिटी, बट टेम्परेचर हाई रेंज में ही रहेगा, वार्निंग ऑरेंज से येलो कलर के कलर में दिया है, और ऑलमोस्ट नॉर्थन एमपी का पूरा डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल टू नॉर्थ ईस्ट एमपी का भी डिस्ट्रिक्ट में अभी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो हीट वेव चलने का काफ़ी संभावना है। तो इसके हिसाब से अभी मतलब ओवरऑल एमपी के काफ़ी जगहों में टेम्परेचर बढ़ने का ही टेंडेंसी है, तो जो भी प्रिकॉशंस हीट वेव के लिए लेना है वो अभी बहुत मतलब ज़रूरी है, और बहुत ध्यान से उसके लिए प्रिकॉशंस लेना है।